हरिद्वार में नेशनल हाईवे निर्माण में बहुप्रतीक्षित सिंह द्वार फ्लाईओवर का एक तरफ का मार्ग बनकर तैयार हो गया है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने आज प्रेमनगर आश्रम के सामने से होकर बने सिंह द्वार फ्लाईओवर के एक तरफ के मार्ग का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। सिंह द्वार चौक से प्रेमनगर चौक तक जाने वाले फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से न सिर्फ शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी बल्कि कुंभ मेले में यातायात व्यवस्था के नजरिए से भी यह काफी उपयोगी होगा। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि अभी फ्लाईओवर की एक साइड के लिए ट्रैफिक शुरू किया गया है। फरवरी महीने के अंत तक फ्लाईओवर पर दोनों ओर से आवागमन शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे 58 के अंतर्गत चल रहे और भी निर्माण कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं। NHAI के जितने भी काम पूरे शहर में चल रहे हैं उसमें से एक तरह से आप मानिए कि सबसे मेजर वर्क जो अभी तक बचा हुआ है वो सिंहद्वार और प्रेमनगर का फ्लाईओवर है, और इसका आज जो राइट हैंड साइड है इसको NHAI ने थ्रू कर दिया है। और आई थिंक अच्छा काम हुआ NHAI की, मुझे तारीफ भी करनी होगी कि लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना के बावजूद भी सारे टारगेट्स आपने मीट किए हैं। केवल यही वाला अभी हमारा बचा हुआ है, और इसमें भी आज क्योंकि राइट हैंड साइड चालू हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पर आपको मशीन्स लगाने का और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वहाँ पर उस स्पेस को यूज़ कर पाएंगे। और NHAI ने आज हमें एश्योरेंस दिया है कि फरवरी के एंड तक इस सिंहद्वार और प्रेमनगर के दोनों तरफ के जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों हमको थ्रू करके दे देंगे। का दिल्ली से आ रहा है जिनको हरिद्वार में एज सच कोई काम नहीं है, देहरादून जाना चाहते हैं या गढ़वाल निकलना चाहते हैं, उनको शहर में नहीं आना पड़ेगा। कुंभ के लिहाज से भी हमारे लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इससे आसानी मिलेगी। देखिए, हमें क्योंकि मुख्यतः जो क्राउड कंट्रोल वाली बात है, जो हमारे शाही स्नान हैं, बड़े स्नान हैं, उस पर ये वाली इशू आता है, और फरवरी में अगर ये काम पूरा हो जाता है तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। NHAI को जो हमारी ओर से हेल्प चाहिए, कहीं मटेरियल मिलने में कोई दिक्कत आ रही है उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करें। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।